गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज और मैं एक राइड पे निकला हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और वो है गुर। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ गुड़ खा सकते हैं, क्या ये सच है, क्या गुड़ खाना चाहिए? हालांकि इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मेरे दूसरे चैनल पे, डायफिट चैनल पे डिटेल्ड वीडियो बनाया है, लेकिन ये फिर भी एक सवाल बहुत बार आता है, बार बार आता है, तो मैंने सोचा आज मोटो ब्लॉग करते करते इस टॉपिक पर ही बात कर लिया जाए कि क्या गुड़ सही है डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए, क्या गुड़ खाना चाहिए डायबिटीज़ के मरीज़ को। गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 से ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 से ऊपर है। इसका मतलब है कि गुड़ अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप गुड़ खाते हैं तो ये मत सोचिए कि ये शुगर से बहुत अच्छा है, शुगर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप गुड़ खाते हैं तो भी आपका ब्लड शुगर बढ़ाएगा, और अगर आप एक डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी में हैं तो आपको गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गुड़ खाने से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि गुड़ अच्छा है क्योंकि गुड़ नेचुरल है, प्रोसेस नहीं है, जबकि गुड़ और चीनी दोनों शुगर केन गन्ने से ही बनता है। हाँ, यह मैं मानता हूँ कि गुड़ जो है उतना रिफाइंड नहीं है, गुड़ में थोड़ा बहुत आपको विटामिन्स मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, मिनरल्स में जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सब मिल जाते हैं, लेकिन इसकी मात्रा इतनी कम है कि अगर आप 100 ग्राम गुड़ भी खाएंगे तो भी आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। और 100 ग्राम गुड़ खाएंगे तो कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आप खुद ही सोच लीजिए, जिससे कि आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 100 ग्राम गुड़ कौन खाता है, कोई भी नहीं खाता। तो अगर आप 100 ग्राम गुड़ नहीं खाते तो मिनरल्स तो आपको ज़ीरो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, नाम मात्र के लिए है, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, और उससे भी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो इसीलिए गुड़ को अवॉइड करिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर आप गुड़ खाएंगे तो फिर आपका पाचन शक्ति अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डाइजेशन के लिए आपको फाइबर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे मात्रा में फाइबर खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, लेकिन गुड़ में ना तो फाइबर है और ना ही पानी है। तो इसका मतलब है ये सारे चीज़ जो आप लोग को कहा जाता है ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है और कुछ नहीं है, और इस मिथ को डिबंक कर चुका हूँ मैं पहले भी, और फिर बता रहा हूँ कि गुड़ खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक नहीं होंगे। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि गुड़ खाने से डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, ऐसा भी कुछ नहीं है। गुड़ खाने से कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो आप नॉर्मल फास्टिंग करिए, उसमें भी आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। अभी तक आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था जिसके कारण आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल ही नहीं कर पाए। रिवर्सल की बात तो दूर ही रखिए, रिवर्सल तभी होगा जब एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जब एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, जब सही तरीके से आप चीज़ को फॉलो करेंगे, जब कंप्लीट नॉलेज होगा। अभी आधा अधूरा नॉलेज लेके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप इधर से दो वीडियोस देख रहे हैं, उधर से दो वीडियोस देख रहे हैं, वैसे आप कभी भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर पाएंगे। और जो नॉलेज मैं आप लोग को दे रहा हूँ वो कंप्लीट नॉलेज है। मैं रात दिन पढ़ता रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, और मैं आपको सही नॉलेज इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ, और मैंने खुद अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करी है एक साल के अंदर। अभी कई साल हो गए मेरे को डायबिटीज़ रिवर्स किए हुए, अभी भी डायबिटीज़ रिवर्सल स्टेज में हूँ, अभी भी रेमिशन में हूँ, अभी भी मेरे को डायबिटीज़ नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि कैसे डायबिटीज़ रिवर्स किया जा सकता है, और मैं
हज़ारों मरीज़ देखता हूँ, देख चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये एक गड़बड़ कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि चीनी नहीं खा सकते, ये सबको मालूम है, लेकिन गुड़ खा सकते, ये बहुत लोग ये कहते हैं, ऐसे दावा करते हैं, लेकिन गुड़ भी आप लोग को नहीं खाना चाहिए, गुड़ से भी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, गुड़ अवॉइड करिए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, तो वो भी आपको दुआ ही देंगे और कुछ नहीं करेंगे। किसी का भला करेंगे तो वो आपको दुआ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अगर गुड़ नहीं खाए, चीनी नहीं खाए, तो मीठा में क्या खा सकता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर भी मत लीजिए, उससे भी आपकी शुगर बढ़ सकती है, उससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। अगर आपको लेना है तो आप लीजिए स्टीविया, स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है, स्टीविया से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ है हमारे साथ, हमारे पास, जिसमें हमने देखा है कि स्टीविया लेने से लोगों की शुगर नहीं बढ़ती है, और जो आपको एक मीठापन या मिठास की क्रेविंग होती है वो भी दूर हो जाता है। मैं 4 साल से रेगुलर स्टीविया लेता हूँ, मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं लेता, हालांकि मीठा वगैरह कभी कभी खा लेता हूँ जब मन करता है, इसलिए खाता हूँ क्योंकि मुझे अभी शुगर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग से भी आपको कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा, और अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि डायबिटीज़ में गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गुड़ खाने से भी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।